हाय एवरीवन तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टाइप ऑफ so, तो तो लिंक है यहां पे अगर को इसको बनाना, तो यार एक चीज डिफरेंट होगी यहाँ पे वो है ये कि जो लास्ट नोट है वो नल की पे पॉइंट करने की जगह वो पॉइंट कर रहा होगा हमारे हेड नोट की तरफ जो हमारा फर्स्ट नोट है उस पे तो यार यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको सर्कुलर क्यों बोलते हैं और और यहां पे हम लास्ट नोट से जो है फर्स्ट नोट पे पहुंच पा रहे होंगे अब यार सीधा आते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे कि इसको हम बिल्ड कैसे कर रहे होंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले समझे कि अगर किसी भी लिंक लिंक लिस्ट लिस्ट के के एंड एंड में में कोई नोड करना है सर्कुलर तो वो हम कैसे करेंगे यार तो सपोज मेरे को यहाँ पे एक नोड एड करना है फाइव तो मैंने एक नोड बना लिया फाइव अब मैं क्या करूंगी मेरे को सबसे पहले ट्रिवर्स करना पड़ेगा टू द लास्ट नोड ऑफ द करंट सर्कुलर लिंक लिस्ट ठीक है तो वो मैं कर लूंगी यूजिंग टेम्प पॉइंटर और टेम्प के नेक्स्ट में डाल दूंगी जो भी नया नोट बनाया है वो अब इस नए नोट के नेक्स्ट में मेरे को डालना पड़ेगा जो मेरा हेड पॉइंट है क्योंकि मैं लास्ट में ऐड कर रही तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके नेक्स्ट में जो है हमारे हेड नोट का एड्रेस हो ठीक है तो यार इसको कोड करते हैं सीधा सबसे पहले मैं लिखूंगी यहां पर जो भी मेरा नोट स्ट्रक्चर है तो वो यहाँ पे सेम होगा यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा फ्रॉम द सिंगल लिंकलेस नोट स्ट्रक्चर हमारा एक फील्ड होगा इंट डेटा और दूसरा फील्ड होगा नेक्स्ट अब बनाते हैं हमारा void insert at tail वाला जो फंक्शन बनेगा और यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा एक तो हेड आ रहा होगा और एक वैल्यू आ रही होगी जो मेरे को ऐड करनी है तो मैंने सबसे पहले अपना नया नोड बना लिया ठीक है जिसमें मैंने वैल्यू भेज दी और ये करने के बाद मेरे को अब ट्रेवर्स करना है तो वो मैं करूँगी यूजिंग टेम्प पॉइंटर तो वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू तो यार यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने लास्ट नोड तक पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि उसका नेक्स्ट जब हेड पे हो जाए तो मतलब कि हम अपने लास्ट पॉइंटर पे ठीक है तो जब टेम्प का नेक्स्ट जो है वो इक्वल हो जाए हेड के तो मतलब कि हम लास्ट पॉइंटर पे पहुंच चुके हैं और तब तक हम करते रहेंगे टेम्प का नेक्स्ट ठीक है तो अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट नोड पे अब हमें क्या करना है जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें हम डाल देंगे जो हमारा नया नोड है और एन के नेक्स्ट में डाल देंगे हेड ठीक है तो यार ये हो गया हमारा इंसर्ट एट टेल का अब यहाँ पे एक कंडीशन एक केस है जो कि हमें ध्यान रखना होगा वो ये कि जब हमारा लिंक लिस्ट जो है वो खाली बड़ा अभी तक कोई नोड ही नहीं आड हुआ है उस केस में क्या कर रहे होंगे तो यार उसके लिए काम करते हैं कि हम एक नया फंक्शन लिख लेंगे ठीक है तो अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो हम एक दूसरा फंक्शन कॉल कर देंगे इंसर्ट एट हेड ठीक है तो उस फंक्शन में हम ये वाला केस हैंडल कर रहे होंगे और यहाँ पे कर देंगे हम सिंपली रिटर्न अब लिखते हैं हमारा जो इंसर्ट एट हेड होगा फंक्शन और यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास एक आ रहा होगा हेड एंड द वैल्यू तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है एक नया नोड बना लिया विद गिवन वैल्यू और ये करने के बाद मेरे को यार यहाँ पे दोबारा जो है ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट ठीक है क्योंकि कैसे आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मैंने ये लिंक लिस्ट दे रखी है आपको और मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में एक नोड ऐड करना है तो उसके लिए मैंने नोड बना लिया और अब मेरे को ये वाला जो लिंक है ये चेंज करना है राइट right. तो उसके लिए मेरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा टू द लास्ट नोड ठीक है और इसको मैं करवा लूँगी यूजिंग टेम पॉइंटर और इसके नेक्स्ट में डाल दूंगी क्या जो मैंने नया नोड बनाया है वो और इस नोड के नेक्स्ट में डाल दूंगी जो मेरा हेड है और फाइनली मैं क्या कर दूंगी जो मेरा हेड है उसको नए नोड पे पॉइंट करवा दूंगी राइट right. तो यहाँ से हो जाएगा मेरा इंसर्ट एट हेड अब ये हेड इज इक्वल टू नल वाला जो केस है वो कैसे हैंडल कर रहा है वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं ठीक है तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर सेम कर रही हूँ कि आई विल बी ट्रेवर्सिंग टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट और ये करने के बाद जो भी टेम्प का नेक्स्ट आएगा उसमें मैं डाल दूंगी मेरा नया नोट राइट right. और एन के नेक्स्ट में डाल दूँगी क्या जो मेरा हेड है और फाइनली हेड इज़ इक्वल टू एन कर दूंगी अब अगर यार ये वाला केस मेरे को हैंडल करना है कि हेड इज इक्वल टू नल अगर है तो उस केस में मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि अगर मेरा हेड नल है तो मतलब टेम्प नल है तो मैं उसका नेक्स्ट जो है एक्सेस अगर करने की कोशिश करूंगी तो मेरे को एरर मिल जाएगी राइट right? तो इससे पहले हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो भैया क्या करो एन के नेक्स्ट में आप एन ही डाल दो राइट बिकॉज एन हमारा पहला नोड है तो वही स्टार्टिंग नोड है वही एंडिंग नोड है तो उसका नेक्स्ट में वो खुद आ जाए

नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड तो यार यहाँ से मैं सब मेरा जो लास्ट वाला नोड है उसकी वैल्यू मैं नहीं प्रिंट करवा पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे अगर मैं करती हूँ टेम्प जब तक हेड ना हो तो यार इस केस में तो हम लूप के अंदर ही नहीं घुस पाएंगे क्योंकि शुरू में टेम्प की वैल्यू हेड के इक्वली है तो यार यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डू वाइल का ठीक है तो यहाँ पे मैं डू में लिख दूंगी कि आप सबसे पहले तो टेम्प का जो भी डेटा है उसको प्रिंट कीजिए और ये करने के बाद टेम्प को आप आगे बढ़ा दीजिए और वाइल्ड कंडीशन में मैं लिख दूंगी कि टेम्प जब तक इक्वल टू हेड ना हो ठीक है तो एक बारी तो ये लूप चलेगा और टेम्प आगे पहुंच जाएगा और उसके बाद जब भी टेम्प हेड के इक्वल होगा तो हमें पता होगा कि अब हमने पूरी जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसको ट्रवर्स कर दिया है राइट अब इसको करते हैं यार फाइनली रन तो उसके लिए नोट स्टार हेड मैंने बना लिया है क्योंकि तो होगा नल और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज जो हैं अपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में डालने वाली हूँ तो यार यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनली बनाई थी लिस्ट पहले वो ये थी वन टू थ्री फोर और ये करने के बाद मैंने इंसर्ट आठ हेड किया फाइव तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई है राइट तो दिस वाज सर्कुलर लिस्ट में हम इंसर्शन कैसे करते हैं अभी अगर आपको सर्कुलर लिस्ट की फील नहीं आ रही है तो मैं पता क्या कर सकती हूँ यहाँ पे ये कंडीशन हटा के मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ कि जब तक टेम्प इज इक्वल टू नल ही हो जाता तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि नल तो यार कभी हो ही नहीं रहा तो हमारा ये जो लूप है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा तो इसको करके देखते है, वैसे हैंग हो जाएगा ये तो यार यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हमारा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जो है वो डिस्प्ले होते ही जा रहा है राइट तो यहाँ पे ये अब बंद नहीं होगा मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा बट ठीक है फील आ गई ना आप लोगों को गुड तो यार अब देखते हैं कि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर मेरे को कोई नोट डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर रहे होंगे तो आपको अभी तो बीच में कुछ भी कर रही हूँ जब हम शुरू या एंड में करते हैं ठीक है तो यहाँ पे एंड में देखते क्या होता है कि अगर मेरे को एंड वाला जो नोड है वो डिलीट करना है तो क्या होगा मैं सबसे पहले ट्रेवर्स करूंगी टू तो द नोड विच इज बिफोर इट राइट और ये करने के बाद मैं इसके नेक्स्ट में डाल दूंगी अपना हेड का वैल्यू ये करने से पहले जो है मैं ये ध्यान रखूँगी कि जो मेरे को नोट डिलीट करना है उसको मैं पॉइंट करवा दूँ किसी पॉइंटर से ताकि मुझे ध्यान हो कि ये मेमोरी में, में, में कहाँ है एंड फाइनली मैं उसको डिलीट कर दूँगी ठीक है तो यार ये ईजी सा है इसको करते हैं हम लिखते हैं मैंने बना लिया इसका एक फंक्शन वर्ड डिलीशन एंड यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि एक तो हमारे पास हेड आ रहा है और एक पोजीशन भी आ रहा है ठीक है तो जो भी हमें पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन का नोड हमें यहाँ से डिलीट करना है अब यहाँ पे ट्रेवर्स करने के लिए मैंने एक पॉइंटर बना लिया टेम जो कि स्टार्ट हो रहा होगा हेड से और एक काउंटर बना लिया यार जो वन से स्टार्ट कर रहा होगा ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी पोजिशन तक मुझे जाना है तो जब तक काउंट जो है मेरा वो नॉट इक्वल टू पोजिशन माइनस वन है तब तक मैं अपना जो लूप है वो चला रही हूँगी जिसमें मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर रही हूँगी और काउंट प्लस प्लस ठीक है तो जब मेरा ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी मतलब कि काउंट इक्वल टू पोजिशन माइनस बन जाएगा तो मैं इस लूप से बाहर निकल आऊँगी अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पॉइंटर बना लूँगी टू डिलीट ताकि मुझे पता रहे कि मेरे को कौन सा नोट जो है वो डिलीट करना है वो होगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट में और ये करने के बाद मैं टेम्प ऑफ नेक्स्ट में डाल दूंगी टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट

क्योंकि हमने काउंटिंग भी वन स्टार्ट किया राइट तो अगर वो वन है मतलब कि मेरे को जो हेड पे नोड है वो डिलीट करना है तो उसके उस केस में मैं उससे पहले वाले नोट तक नहीं पहुंच पा रही हूँ तो उसके लिए हमें एक अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हम बना देते हैं डिलीट एट हेड और यहाँ पे कर जाएंगे हम रिटर्न ठीक है तो अब ये देखते हैं कि डिलीट एट हेड करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे ये समझे आप ऐसे मेरे पास ये लिंक लिस्ट है अभी और मेरे को जो हेड पे ये फाइव नोट है इसको डिलीट करना है ठीक है तो दिस इज़ द टू डिलीट नोट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी यार मैं ट्रावर्स कर जाऊँगी टू द लास्ट नोट ठीक है क्योंकि हमें ये वाली लिंक जो है ये चेंज करनी है ये अभी हेड पे पॉइंट करा रही है हमें इसको पॉइंट कराना है हेड ऑफ़ नेक्स्ट पे तो इस लिंक को मैं चेंज कर दूंगी इसको पॉइंट करवाने के बाद टू द हेड ऑफ नेक्स्ट हेड को आगे मूव कर दूंगी हेड ऑफ़ नेक्स्ट पे और फाइनली जो मेरा टू डिलीट है उसको मैं डिलीट कर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा मेरा डिलीट एट हेड ठीक है तो इसको मैं कोड करती हूँ आप सबसे पहले हमने अपना जो है फंक्शन वो बना लिया है डिलीट एट हेड राइट जिसमें हम ले रहे हैं सिर्फ उसका हेड ये हमें पता है कि कौन से पोजीशन का नोड हमने डिलीट करना है और ये करने के बाद मैं एक टेम पॉइंटर बना लूँगी ताकि हम ट्रेवर्स कर पाए टू द लास्ट नोड इसमें कंडीशन क्या होगी कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है तब तक आप आगे बढ़ते रहो और टेम्प को कर दो टेम्प ऑफ टेम्प ऑफ नेक्स्ट के इक्वल तो यहाँ पे हम आ गए अपने लास्ट जो भी हमारा नोड है उस पर अब जो फर्स्ट नोड है उसको डिलीट करने से पहले जो है मैं एक पॉइंटर बना लेती हूँ टू डिलीट जिसमें मेरा हेड नोड जो है वो है जो मेरे को डिलीट करना है राइट अब टेंप का जो नेक्स्ट है वो मैं पॉइंट करवा दूंगी टू हेड ऑफ नेक्स्ट पे जो भी इसके बाद हेड के बाद जो भी नोड होगा एंड जो मेरा हेड है वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो वो भी पॉइंट करेगा हेड ऑफ नेक्स्ट पे फाइनली मैं डिलीट कर दूंगी मेरा जो भी टू डिलीट नोड है ठीक है तो यार यहां पे हमने टू डिलीट नोड अपना नहीं डिलीट किया था तो वो भी कर देते हैं राइट तो यार ये बन गया मेरा जो डिलीट करने वाला फंक्शन है और यहाँ पे हमने एज केस भी संभाल लिया है जिस केस में हमें फर्स्ट नोट डिलीट करना पड़ रहा है तो इसको करते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले डिलीशन कॉल करते हैं ठीक है और यहाँ पे अगर मैं सपोज डिलीट कर रही हूँ अपना लास्ट एलिमेंट ठीक है तो फाइव पोजिशन मैंने दे दी है अब देखते हैं इससे क्या होता है तो ये थी मेरी लिंक लिस्ट और लास्ट वाला नोड डिलीट करने पे ये आ रहा है राइट यही है सही और यहाँ पे अगर मैं वन डाल देती हूँ मतलब कि मेरे को अपना पहला नोड जो है वो डिलीट करना है तो वो करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिलीट आर्ट हेड भी सही चल रहा है या नहीं तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट नोट था वो भी डिलीट हो गया है राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलर लिंकलेस बेसिक आपको इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग वगैरह पता होनी चाहिए सर्चिंग के लिए भी आपको पता है कि हमने कहाँ तक सर्च करना है तो उसके लिए आप यही कंडीशन लगा सकते जो हमने डिस्प्ले में यूज़ करी है टू ट्रैवर्स आर इंटायर लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट Right, so yeah, that's all about circular linkers and I'll see you in the next video. Bye bye.